शाह रुकने आलम के कुछ ड्रोन शॉट्स रह गए थे तो वो लेने आज हम दोबारा आए थे, लेकिन यहाँ पर कबूतर और चीले वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस वजह से 3-4 चीलों ने ज़बरदस्त किस्म का ड्रोन पे हमला किया। यहाँ पे म्यूज़ियम भी हमें बताया गया लेकिन हम जा नहीं सक रहे। इंशाल्लाह सम अदर डे सम अदर टाइम ज़िंदगी रही तो हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। चल छाल मारी है इसने अपनी तरह से डांस डांस किया। शाह रुखने आलम पर डांस करने वाला ये शख्स अल्लाह 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 अल्लाह। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो मेरा व्लॉग क्या है। यहाँ से अभी ट्रेन गुजरने वाली है, मैं फोकस पे हूँ। नहीं अब यहाँ से अभी ट्रेन गुजरने वाली है, यहाँ से अभी ट्रेन गुजरने वाली है और यहाँ पे खेत है और एक फॉगी सा मौसम है और एक फॉगी सा मौसम है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा शॉट आए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा शॉट आए। अगर ये शॉट ब्लॉग में हुआ तो इसका मतलब अच्छा है, अगर ना हुआ तो इसका मतलब बुरा है। अगर ये शॉट ब्लॉग में हुआ तो अच्छा है, अगर ना हुआ तो नहीं अच्छा। बंदा मैंने हायर किया है वॉइस ओवर के लिए, तो कुछ अरसे बाद ये जा रहा है। गुड जॉब। दानिश खान इस वक्त हमें लेकर आए हैं इस मशहूर चाय वाली किसी जगह के ऊपर, बाली चाय वाला। बाली चाय वाला जो है मुल्तान में इस तरह से बड़े बड़े बर्तनों में चाय बनाई जाती है। और जो ट्रेलर मुझे इस मूवी का दिया गया था वो यह था कि 300 बंदा यहाँ पर होगा हमारे साथ। वीडियो में मेरे ब्लॉग में देखेंगे। ट्राई मारते देखते हैं कि इनकी ये मशहूर ज़माना मशहूर मुल्तान चाय कैसी होती है। तो इस वक्त हम आए हैं गप शप। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रात का वक्त है और खाना शाना खाने आए हैं, चाय पीने आए हैं और गप शप पर आए हैं। अच्छी जगह है, इट इज़ ऑल्सो इन मोल्टन। हमारे साथ इस वक्त मशहूर इंस्टाग्रामर और सॉर्ट ऑफ यूट्यूबर एज वेल मौजूद हैं उस्मान जुबैर। मीट यू इन इस्लामाबाद। मीट यू इन दुबई। खत्म हो जाता है, नेक्स्ट वीक फ्यूल आ जाता है। अभी हम इस्लामाबाद के लिए निकलने वाले थे, रास्ते में ही हमने मेट्रो को देखा तो हुआ ये कि उन्होंने कहा है कि मेट्रो में कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है। अगर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है तो फिर जाने का फ़ायदा नहीं है। हम तो प्रिपेयर्ड थे, कैमरा भी था, ऑस्मो भी था, तो सोचा था कि कुछ अच्छे शॉट्स निकल आएंगे, इसी बहाने सैर भी हो जाएगी और वो जो एक मिथ और अर्बन लेजेंड है कि इस मेट्रो पर कोई नहीं बैठता उसको भी राइट या रॉन्ग प्रूफ करेंगे, लेकिन हमें मौका नहीं मिल सका। रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि वी आर नॉट क्विटिंग और हमने कैमराज बैग में डाले और एक और स्टेशन से अभी हम आए हैं। Basically, the myth that we heard about the metro stations in Multan was sort of wrong, you can say, because जो था कि बिल्कुल खाली है और stations पर कोई बंदा नहीं होता वैसा नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी वाला सीन भी नहीं है कि जैम पैक्ड होता है और इवन खड़े होने की जगह भी नहीं है। तो आई थिंक जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जिन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा नहीं हो रहा उसी तरह उन लोगों को इस्लामाबाद पिंडी में भी फ़ायदा नहीं हो रहा। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि इट इज़ अ बिट हायर, जो इसकी हाइट है वो पिंडी वाले से थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। तो मेट्रो का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इस वक्त हम रिक्शे में बैठ के बाजार की तरफ जा रहे हैं, कुछ फाइनल शॉपिंग करनी है और उसके बाद बैक टू इस्लामाबाद। रिक्शे में बैठे हुए और रेयरली मैं रिक्शे के अंदर पूरा आया हूँ, बाजार की तरफ हम जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज कॉल्ड दिल्ली गेट और हम कोई पुराने बाजार या मेन बाजार में एंटर हो चुके हैं।
غالباً اب ہم نے جو ہے مین بازار سارٹ آف اس میں ہم انٹر کیے ہیں جہاں پہ ایوری تھنگ سو کنجسٹڈ اینڈ لٹ اپ اینڈ اولڈ ایز ویل. اف یو ہیو ایور بین ٹو بلتستان تو وہاں پہ جو اولڈ ووڈن آرکیٹیکچر یا ڈیزائن ہے اس سے اس کی کافی سملیرٹی ہے. یہ اکارڈنگ ٹو لوکل یہ مندر ہے لیکن اندر جو ہے وہ دن کے ٹائم مولانا صاحب جو بچوں کو حفظ کرواتے ہیں. تو ملتان آ کے ہم نے ایک نیا لفظ سیکھا کہ پوڑی سیڑھیوں کو کہتے ہیں. ملتان کے بازار کا اچھا ایکسپیرینس رہا. ہمارے بھائی نے اپنی شاپنگ بھی کر لی ہے. اب ہوپ فلی ہم گنے کا یا انار کا جوس ڈھونڈیں گے. اور ناؤ کرنٹلی وی آر بیک ان دا کراؤڈ. جگہ ملی ہے, یہ حضرت بابا دوست محمد صاحب کی قبر ہے اور مزید ان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا. اگر آپ جانتے ہیں تو لیٹ می نو ان دا کامنٹس. گھوم پھر کے ہم واپس اسی بازار میں آ گئے. مدتوں کے بعد ہم کھلی جگہ پر واپس آ گئے ہیں, مین روڈ پر واپس آ گئے ہیں. سامنے ہمارے میٹرو اسٹیشن ہے, اس میں بیٹھیں گے. اس میٹرو اسٹیشن پر بیٹھ کے ہم اس میٹرو اسٹیشن پہ جائیں گے جہاں پہ ہماری گاڑی پارکڈ ہے اور پھر وہاں سے ہوپ فلی دو گھنٹے کی کچے روڈ پر ڈرائیو کے بعد موٹر وے پہ پہنچیں گے اور چھ گھنٹے بعد اسلام آباد. ہم بیسکلی دولت گیٹ میٹرو اسٹیشن سے اترے اور وہاں پہ جو موجود بازار ہے ادھر ہم نے تفریح کی اور اس کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں شالیمار کالونی کی طرف.